एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अन ट्यूशन। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं नए रूल्स के और नए फॉर्मूलेस के बारे में बात करने वाली हूँ। अगर आपने मेरे लास्ट टू वीडियोस नहीं देखी है टाइम एंड डिस्टेंस की, तो प्लीज जाके उन्हें जरूर देखना, क्योंकि काफी बेसिक्स और काफी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आगे आपको दिमाग में रख के चलने, वो मैंने समझाया। तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी चैनल का, या वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाके प्लीज देख लेना। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो सबसे पहले क्या करना है, हमें स्टार्ट करना है एक नए रूल के साथ और नए क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, सबसे पहली बात आती है हमारा एक जो नया रूल है, फॉर्मूला नंबर वन, कि क्या आपका फॉर्मूला नंबर वन है। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं, व्हेन अ सर्टेन डिस्टेंस इज कवर्ड एट अ स्पीड ए एंड द सेम डिस्टेंस इज कवर्ड एट स्पीड बी देन द एवरेज स्पीड इज। ठीक है, यानी ये क्या कहना चाह रहा है, अगर कोई डिस्टेंस कवर की जाती है स्पीड ए से, यानी कुछ भी एक्स वाई जेड स्पीड आपकी, कुछ भी 10 12 15 दो कुछ भी स्पीड से कवर की जाती है, और वही सेम डिस्टेंस कवर की जाती है बी स्पीड से, यानी दो स्पीडों से एक सेम डिस्टेंस को कवर करने की यहाँ बात हो रही है। कि जब भी आपके पास क्वेश्चन आता है कि कोई ऑब्जेक्ट ने इतना डिस्टेंस इस स्पीड से और इस स्पीड से क्रॉस किया है या कवर किया है, तो उनकी बताओ एवरेज स्पीड क्या है। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा आपका, आपका 2ab अपॉन a प्लस बी, यानी 2 पहले वाले की स्पीड मल्टीप्लाई दूसरे वाले की स्पीड अपॉन में पहले वाले की स्पीड प्लस दूसरे वाले की स्पीड। ठीक है, क्या फॉर्मूला बना, 2ab a प्लस बी, बहुत ही इजी फॉर्मूला है ये, इसमें कुछ भी नहीं है ज्यादा करने के लिए। तो इसको समझने के लिए हम करते हैं एक क्वेश्चन सबसे पहले। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है आपका, शांतनु कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस बाय अ कार ड्राइविंग एट 35 किलोमीटर पर आवर। शांतनु ने, मतलब शांतनु नाम का एक लड़का है, उसने क्या किया है, कुछ डिस्टेंस कवर किया, मान लो अपने घर की, घर से लेकर स्कूल तक की, अपने घर से लेकर किसी शॉप तक की, कुछ भी, ठीक है, कुछ भी है, उसकी मर्जी है, उसने डिस्टेंस कवर किया है, किससे, कार से कवर किया है। ठीक है, कितने किलोमीटर पर आवर पे चली उसकी कार, 35 किलोमीटर पर आवर पे, एंड ही रिटर्न्स बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट राइडिंग ऑन अ स्कूटर। अब क्या हुआ, उसने कार छोड़ दी, लो भैया फ्री की कार आ रही है, छोड़ दी उन्होंने कार। अब वहां सर के लिए एक स्कूटर इंतजार कर रहा था, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, स्कूटर से वापस का रास्ता तय किया। जैसे कि मान लो एक शांतनु नाम के लड़के ने अपने घर से, ये कार और स्कूटर वाला बंदा है तो स्कूल का नहीं होगा, चलो हम ऑफिस का लड़का मान लेते हैं, ठीक है, इसने अपने घर से इस ऑफिस तक का कवर किया रास्ता अपनी कार से, कितने किलोमीटर पर आर के हिसाब से, 35 किलोमीटर। अब जब ये वापस आए हैं सर, तो इन्होंने स्कूटर ले लिया किसी का, ठीक है, वापस आते हुए इन्होंने क्या किया, क्या किया, स्कूटर चला के लेकर आए, किस स्पीड से, 25 किलोमीटर पर आर की स्पीड से। ठीक है, अब आपको क्या बताना है कि इसकी जो पूरी जर्नी रही, जाने से आने तक की लेकर, इस पूरी जर्नी का एवरेज स्पीड क्या होगी। ठीक है, तो चलो दी बता देते हैं इनको क्या स्पीड होगी। हम देखो क्या है आपका, आपको पता है ए क्या है, जो सबसे पहली बात कही गई है वो आपकी ए है, 35 किलोमीटर पर आवर। फिर जो आपकी दूसरी बात की गई है, 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हो फ्रेंड्स, कितने लंबे लंबे से चार चार पांच पांच लाइन के क्वेश्चन होते हैं, होता कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में। ठीक है, ए गिवन है, आपको बी गिवन है, क्योंकि हमें ज्यादा बात करनी नहीं है, तो हमें सिर्फ ए और बी से मतलब है। फॉर्मूला आपने पुट किया 2ab a प्लस बी, 35 पुट किया एंड 25 पुट किया, 35 पुट किया एंड 25 पुट किया, कितने होते हैं 35 एंड 25 बताओ फ्रेंड्स, कितने होते हैं 60। ठीक है, तो कितना हो गया, हम यहाँ पे लिखेंगे 2 into 25 into 35 60। मैं इसको इसलिए मल्टीप्लाई नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी हम इससे कटपिट कर देंगे ना, क्यों इतना ज़्यादा मैं करूँ, 5 5 25 5 5 5 5 2 10। ठीक है, अब 2 6 12 ज़्यादा नहीं कटा है, 35 5 कितना होता है, 35 5 ठीक है, 35 5 25 15 16 175, और नीचे आ गया आपका 6। ठीक है, इसको सॉल्व आउट करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 29.16 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो किस स्पीड से आए, जो इसकी एवरेज स्पीड रही वो क्या रही, 29.16, यानी 29.16 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहाँ हमें ये सारी यूनिट चेंज करने की जरूरत है क्योंकि सारी यूनिट सेम है, हमें चेंज करने की जरूरत होती है जहाँ स्पीड, जहाँ यूनिट डिफरेंट होती हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। ओके दोस्तों, तो चलो एक नया फॉर्मूला और सीखते हैं। ठीक है,
क्योंकि एक एक फॉर्मूले में मजा नहीं आएगा, एक दो फॉर्मूले सीख लेते हैं। ओके चलो फ्रेंड्स एक और फॉर्मूला देखते हैं एक और रूल के साथ। रूल नंबर टू क्या बनता है आपका, व्हेन अ पर्सन कवर्स डिस्टेंस बिटवीन टू सर्टेन प्लेसेस विद अ स्पीड ए, ठीक है, यानी एक आदमी ने एक डिस्टेंस कवर किया दो सर्टेन प्लेसेस के बीच में, जैसे अपने घर से ऑफिस के बीच में, अपने घर से स्कूल के बीच का एक डिस्टेंस कवर किया विद अ स्पीड ए, कुछ स्पीड के साथ, ठीक है। ही गेट्स हिज डेस्टिनेशन लेट बाय T1, यानी वो इतनी लेट बाय का मतलब क्या है, इतनी देर से पहुंचा, T1 देरी से पहुंचा, मतलब कुछ स्पीड थी, वो 5 मिनट लेट पहुंचा वहां पे, ठीक है। बट व्हेन ही कवर्स द सेम डिस्टेंस विद स्पीड बी, लेकिन जब वो इसी डिस्टेंस को अपने अपने घर से लेकर ऑफिस के डिस्टेंस को बी स्पीड से कवर करता है, ठीक है, तो वो पहुंच जाता है पहले टाइम से पहले, यानी 5 मिनट पहले पहुंच जाता है T2 टाइम, ठीक है। क्वेश्चन समझो, मुझे पता है आपको नहीं समझ में आया होगा एक बार में, एक आदमी एक डिस्टेंस कवर कर रहा है, एक दूरी कवर कर रहा है, दो जगह के बीच की दूरी, जैसे कि अपने घर से अपने ऑफिस की दूरी वो कवर कर रहा है। अब जब वो चला यहाँ से तो जिस स्पीड से वो गया उस स्पीड से वो पहुंचा 5 मिनट लेट, ठीक है, मतलब किसी जगह पे वो पहुंचा, टाइम लगा होगा ना उसको, तो वहां पहुंचा T1 लेट पहुंचा, वो T1 टाइम लेट पहुंचा, यानी मान लीजिए कुछ टाइम है उससे 5 मिनट लेट पहुंचा। बट जब वही डिस्टेंस वो दोबारा मान लो घर आ रहा है वापस, उसने दूसरी स्पीड से तय किया, यानी थोड़ा ज्यादा ही हो गया ऑब्वियसली जो जल्दी पहुंचा है, तो क्या करता है वो पहले पहुंच जाता है समय से, जो पहले उसका समय लगा उससे पहले पहुंच जाता है। तो बताओ डिस्टेंस क्या रहा होगा दोनों के बीच का, ठीक है, दोनों जगह के बीच की दूरी क्या रही है। तो आपको क्या करना है, डिस्टेंस इक्वल्स टू ए इंटू बी, ए बी क्या है यहाँ पे आपकी स्पीड है, ठीक है, ब्रैकेट में T1 टाइम, वो टाइम जो टाइम पे वो लेट पहुंचा है, प्लस T2 टाइम जो वो जल्दी पहुंचा है, अपॉन में बी माइनस ए, यानी दूसरी वाली स्पीड से पहली वाली को हम माइनस कर देंगे, ठीक है, क्या समझे आप, इसको हम माइनस कर देंगे। तो फॉर्मूला हमें समझ में आ चुका है, हमें समझ में ये भी आ चुका है कि ये बात क्या बोलना चाह रहा है, इसको और अच्छे से हम समझेंगे एक क्वेश्चन के साथ, ठीक है दोस्तों। तो चलो क्वेश्चन करते हैं, सबसे पहले क्या क्वेश्चन है आपका, राम कवर्स अ डिस्टेंस बिटवीन हिज होम एंड कॉलेज बाय साइकिल, ठीक है, राम ने क्या किया, कवर किया एक दूरी कवर की अपने घर से अपने कॉलेज की साइकिल पर, ठीक, हैविंग एन एवरेज स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर ही इज लेट बाय 20 मिनट, उसकी एक एवरेज स्पीड क्या थी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल रहा था, लेकिन वो पहुंचा 20 मिनट लेट, ही इज लेट बाय 20 मिनट। हाउएवर विद अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर आवर, अपना अब क्या था, अब उसका दूसरा जो स्पीड थी 40 किलोमीटर आवर से वो पहुंचता है 10 मिनट पहले, ठीक है, क्या पहुंचता है वो 10 मिनट पहले। तो बताओ उसका डिस्टेंस क्या रहा है उसके घर से कॉलेज तक का। तो ए आप सबसे पहले गिवन पार्ट लिखते हैं, सबसे पहले आप क्या लिखते हैं गिवन पार्ट, ए आपका है 30 किलोमीटर पर आवर, T1 है आपका 20 मिनट, बी आपका है 40 किलोमीटर पर आवर, एंड T2 आपका है 10 मिनट, ठीक है। सबसे पहले किलोमीटर पर आवर चेंज करेंगे आर में, 20/60, ठीक है, 10/60, ठीक है। चलो अब फॉर्मूले में पुट करते हैं, ए बी T1 प्लस T2 बी माइनस ए, ए बी कितना है 30 × 40, ये फॉर्मूले में पुट कर दिया 30 × 40, 20/60 + 10/60, ठीक है, 40 माइनस क्या होगा 40 − 30, नीचे फॉर्मूला पुट होगा। फ्रेंड्स ये पहले सॉल्व इसलिए क्योंकि ये मैंने दूसरा टेक लिया है अभी उसका वीडियो बनाने का, क्योंकि बीच में डॉग ने भौंक दिया था तो खराब हो गया था मामला, ठीक है। तो इसको क्या करोगे आप, सॉल्व करोगे 30 × 40, 30/60, ठीक है, यानी 1/2 आ जाएगा डायरेक्ट, 1 × 2 = 4, और 32 × क्या होगा आपका, कितना आ जाएगा आपका 32 × 600, एंड देन अपॉन में 10 है तो 10 × 6 = 60, तो ये क्या आ गया 660 किलोमीटर, क्या आ गई आपकी एवरेज डिस्टेंस क्या थी इसकी आपकी 60 किलोमीटर, दोनों के बीच की डिस्टेंस थी 60 किलोमीटर। फ्रेंड्स थोड़ा सा हॉचपॉच हो गया होगा बट आप ये सॉल्व कर लोगे, आई नो ये तो बहुत ईजी है, ठीक है, वो मैं आपको क्लियरली समझाई देती बट बीच में आवाज़ आ गई तो फिर आवाज़ मेरी आ नहीं पा रही थी, ठीक है। तो चलो आपको ये समझ में आ गया होगा, तो मैंने इस वाली वीडियो में आपको समझाए हैं दो फॉर्मूलेस, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ याद रखिएगा उनको, और उस बेसिस पे आपके पास जो भी बुक होगी उससे रिलेटेड आप उसके क्वेश्चंस करिए।
ठीक है गाइस, कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रही थी कि उन्हें कैसे पता चले कि कांस्टेंट कैसे पता चलेगा, मतलब जैसे मैंने फॉर्मूले में बताया कांस्टेंट स्पीड हो, कांस्टेंट डिस्टेंस हो, कांस्टेंट टाइम हो। तो फ्रेंड कांस्टेंट का मतलब होता है कि एक ही चीज़ मतलब सेम हो, कुछ डिफरेंट ना हो, मतलब चेंज ना हो रहा हो, ठीक है। तो जैसे कि मैंने क्वेश्चन करवाया था कि कोई डिस्टेंस कवर किया उसने इतने मिनट में इस स्पीड से, एंड सेम डिस्टेंस कवर की है दूसरे टाइम से और दूसरी स्पीड पे, तो यहाँ पे आपको बोल रहा है ना वो सेम डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस आपकी कांस्टेंट है। तो फ्रेंड्स जैसे अब आप क्वेश्चंस करते जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि कांस्टेंट का मतलब क्या होता है। कांस्टेंट का मतलब होता है कि कोई एक चीज़ सेम होगी उसमें, या तो डिस्टेंस सेम होगी तो आप डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अगर स्पीड सेम होगी कि मतलब दो बार की स्पीड, दो जनों की स्पीड सेम है, तो कांस्टेंट का मतलब फ्रेंड्स ये होता है, ठीक है, कि कब सेम होगा। तो वो चाहे मॉडरेट क्वेश्चन में हो, चाहे इजी में हो, चाहे हार्ड क्वेश्चन में हो, बात एक ही है। एंड बात करते हैं रिलेटिव स्पीड की, तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है इसके ऊपर तो हम आगे पूरा क्वेश्चन ही करने वाले हैं, बट अगर आपको मैं वैसे बताना चाहूँ, एक छोटा सा बात बतानी चाहूँ, तो रिलेटिव स्पीड आपका होता है कि अगर आप एक चीज़ की स्पीड देखो विद रिस्पेक्ट टू अदर, ठीक है, यानी आप एक की स्पीड देख रहे हो किसी दूसरे पर्सन के नज़रिए से, ये मैं हिंदी में बोलना चाहूँगी, ठीक है। यानी जैसे क्या होता है, कभी कभी आप खड़े रहते हो, ठीक है, आपके आगे से गाड़ी क्रॉस करके गई, तो आप देखते हो कि उसकी स्पीड काफ़ी तेज थी, ठीक है, बट आप एट द सेम टाइम अगर आप उसी को सेकंड गाड़ी पर अगर आप और आपके साइड में सेकंड गाड़ी मतलब दूसरी गाड़ी चल रही है और बगल वाली गाड़ी को आप देख रहे हो, तो आप देखोगे कि उसकी स्पीड थोड़ी कम लगेगी पहले से, ठीक है। यानी कि उस गाड़ी की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू दूसरा, मतलब किसी और के नज़रिए से आप अगर देख रहे हो तो उसको बोलते हैं रिलेटिव स्पीड, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस चीज़ के ऊपर भी मैं काफ़ी आगे डिस्कशन करूंगी, इस रिलेटिव स्पीड के ऊपर तो काफ़ी क्वेश्चंस भी आने वाले हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को भी इतना ही समझिए जितना मैंने बताया, अभी उस बेसिस पे क्वेश्चन करिए, रिलेटिव स्पीड का आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं आगे आपको सब कुछ बताऊंगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, और पिछली तीन वीडियोस को ज़रूर देखने, मतलब दो वीडियो वो और ये वाली वीडियो, ठीक है, एंड अपना बार बार रिवीजन करें। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दें, ताकि जब भी मैं नई वीडियोज़ कोई भी लेकर आऊँ तो आपके पास नोटिफिकेशन उसकी आ जाए, ठीक है फ्रेंड्स। सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।